हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। गौर सुमन किचन्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम कोई रेसिपी नहीं बना रहे हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हम आसानी से कच्चा नारियल कैसे छील सकते हैं, जिसे छीलना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको वो ट्रिक दूंगी जिससे कि आप नारियल बहुत आसानी से छील सकते हैं बिना किसी झंझट के। ये देखिए गाइस, अब हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि हमें कच्चा नारियल छीलने के लिए किस किस औजार की आवश्यकता पड़ेगी। एक चाहिएगा हमें कोई भी वजनदार चीज, जैसे कि हथौड़ी हो, अदरक कूटने वाला हो, या कोई कुछ भी इंस्ट्रूमेंट हो आपके पास। एक पेचकस बड़ा या छोटा, एक चाकू छिलका छीलने के लिए। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ये दिखाती हूँ कि हमें हमारा नारियल कैसे छीलना है और उसे कैसे निकालना है इसके अंदर से आसानी के साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले नारियल को पूरी तरह से ऐसे इसका ये ऊपर का जो पार्ट है छिलके हैं वो सब उतार लेते हैं। नारियल के छिलके हम, अगर आपका छिला हुआ है तो आप चाकू से यहाँ से कट कर दीजिए। ये बहुत ही आसानी के साथ कट जाता है। अब हम इसके जो तीन ये जो आंखें बनी हुई हैं, इनको हम हेल्प से इसका पानी निकालने के लिए इसको अच्छे से अंदर तक किसी पेचकस की सहायता से या उसकी सहायता से छेद कर लेते हैं ताकि हम हमारा पानी इसमें से। ये देखिए गाइस, हमने हमारे नारियल को पूरी तरह से छील लिया है। अब हम इसका पानी निकाल देते हैं। पानी निकालने के लिए हमें ये जो तीन छेद बने हुए हैं इनको पेचकस की सहायता से इसमें छेद कर लेना है। ये देखिएगा, ये छेद बहुत ही आसानी के साथ हो जाता है। ये देखिए, आप इसको अच्छे से कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने हमारे नारियल को के तीनों छेदों को पेचकस की सहायता से अंदर तक छेद कर लिया है। अब हम इसका पानी ड्रेन कर लेते हैं छलनी के साथ। ये देखिए गाइस, हम हमारे नारियल का पानी छलनी के साथ किसी भी गिलास में या कांच के बर्तन में किसी में भी डालकर इसको छान लेते हैं। देखिए गाइस, ये जो हमारा नारियल, कच्चे नारियल का पानी होता है, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमें इसको फेंकना नहीं है, इसको हमें या तो पी लेना है या किसी भी रेसिपी में इसका इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छे से इसका सारा पानी निकाल लीजिए। ये देखिए गाइस, हमारे नारियल का पूरी तरह से पानी अब निकल चुका है। अब ये पूरी तरह से अंदर से खाली है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा इतना पानी निकलकर नारियल से आया है। अब इस पानी को हम पी लेते हैं या किसी रेसिपी में इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमने हमारे नारियल को गैस पर 2 से 3 मिनट के बीच में इसको अच्छी तरह से तेज हीट पर गर्म कर लेना है। देखिए, हमें मुश्किल से 2 से 3 मिनट या उससे भी कम, जब हमारा नारियल बीच में से क्रैक हो जाएगा तब हम इसको गैस से उतार लेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैं नारियल को पेचकस की सहायता से रोटेट कर रही हूँ। अगर आपके पास पेचकस नहीं है तो आप नारियल को चिमटे की सहायता से भी गैस पर किलो पर घुमा सकते हो। अगर आपके पास बड़ा पेचकस है तो उससे हाथ भी सेफ रहेगा, जलेगा नहीं। और ये देखिए गाइस, हमारा नारियल बीच में से क्रैक हो चुका है। अब हमारा नारियल निकालने के लिए तैयार है। अब मैं इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ थोड़ा ठंडा करने के बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा कच्चा नारियल ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको निकाल कर दिखाती हूँ आसान तरीके से। हमें इसको निकालने के लिए इस तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी। आपके पास जो भी है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें इसको हाथ में ऐसे रखना है और इस तरीके से धीरे धीरे पूरी तरह से, देखिए फ्रेंड्स, मैंने दो ही बार इसको हिट किया है और इससे हमारा ऊपर का निकल गया है। ये देखिए, ऐसे हम पूरी तरह से पूरा छिलका उतार लें। अब हम पूरे को धीरे धीरे मारना है। ज्यादा तेज मारेंगे तो हम अंदर से हमारा नारियल टूट सकता है। ये देखिए गाइस, देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको जरा भी दिक्कत हो तो इसको थोड़ा सा और मार लीजिए, हमारा नारियल आसानी के साथ निकल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे धीरे धीरे करके हमें हमारा सारा छिलका हटा लेना है। ये अभी थोड़ा गर्म लग रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पूरा साबुत कच्चा नारियल निकल कर आया है आपके सामने। मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। आप भी इसी तरह से कच्चा नारियल छील सकते हैं आसानी के साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कच्चा नारियल पूरा का पूरा मेरी ट्रिक से छील लोगे तो आपका भी ऐसे ही निकल कर आएगा। देखिए गाइस, अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए आवश्यक है कि ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर तक टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।